ए प्लस मेंटर, आज हम अपनी जो पिछली सीरीज़ है आर्ट एंड कल्चर की, उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो पिछला लेक्चर था उसमें कुछ साइट्स जो थी उनकी एक्सकवेशन फाइंडिंग्स रह गई थी थोड़ी सी। तो सबसे चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारी आती है जो साइट आती है हड़प्पन साइट, वो आती है रोपर। तो रोपर जो है वो किसके किनारे पे है? सतलुज के किनारे पे है। और कहाँ पे पाई जाती है? पंजाब में। और यहाँ पे जो हमें एक्सकवेशन फाइंडिंग्स मिली हैं वो क्या मिला है कि यहाँ पे ओवल शेप में एक खड्डा मिला है, जहाँ उस खड्डे में एक ह्यूमन को डॉग के साथ बरी दफनाया गया है। तो और सेकंड हमें मिला है कॉपर की एक्स, कॉपर की कुल्हाड़ी मिली है हमें। इसके बाद जो साइट आती है वो आती है बालाथल एंड कालीबंगन। तो ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। यहाँ पे हमें एक बैंगल फैक्ट्री मिली है, टॉय कार्ट मिला है, एक कैमल की बोन्स मिली हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली, सीटाडल और लोअर टाउन मिला, और फायर अल्टार। फायर अल्टार हमें लोथल में भी मिले थे और यहाँ पे बालाथल और कालीबंगन में मिले हैं। नेक्स्ट हमारी साइड आती है सुरकटोडा। तो सुरकटोडा में कि कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ पे हमें हॉर्स के जो बोन्स, हॉर्स बोन्स हैं उसके रिमेन्स मिले हैं। इसके बाद हमारी जो साइट आती है वो आती है बाणावली। तो बाणावली में हम कहाँ पे है? ये हरियाणा में। और ये पाई जाती थी सरस्वती रिवर के किनारे पे। और इस साइट्स पे हमें जो फाइंडिंग्स मिली हैं वो है टॉय प्लो, बार्ले ग्रेन्स, लैपिस लजूली और फायर अल्टार्स। और ये अकेली सिटी है जहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स मिली हैं। रेडियल स्ट्रीट्स मतलब इस तरह जो दिखती हैं, सेंटर में टाउन और बाहर की तरफ स्ट्रीट्स जो हैं वो निकली होती हैं, तो इनको बोलते हैं रेडियल स्ट्रीट्स। तो ये कहाँ पे मिली है हमें? बाणवली में। तो नेक्स्ट हमारा आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि मेरठ यूपी में है और ये यमुना किनारे पे है। तो यहाँ पे हमें कॉपर के ब्रोकन ब्लेड्स मिले हैं, ठीक है, और सिरामिक की आइटम्स मिली हैं, और इम्प्रेशन ऑफ ए क्लोथ और ए ट्रफ, जो हमें ये जो 3 चीज़ें हैं ये कहाँ पे मिली हैं हमें? आलमगीरपुर में। तो मेहरगढ़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमें पॉटरी और कॉपर के टूल मिले थे। कॉपर के टूल हमें हड़प्पा में मिले हैं, कॉपर का स्केल और मिरर मिला था वहाँ पे हड़प्पा में। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आर्किटेक्चर में जब आप इस साइट को देखोगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखोगे, तो हमें ये मैक्सिमम जो ये इसकी टाउन प्लानिंग है वो ग्रिड पैटर्न में है, मतलब ग्रिड में बनी हुई हैं। तो जो रोड हैं उनके वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं। तो इस और इसके बाद जो है वो बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स में क्या है? हाउसेस, डवेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स भी मिलती हैं और पब्लिक बाथ भी। तो इनको बनाने में, इन बिल्डिंग को बनाने के लिए बर्ट जो मड ब्रिक्स हैं उनका यूज़ किया गया है और जिप्सम मोटार का भी यूज़ किया गया है। सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, एक होता था अपरेज सिटाडल और एक होता है लोअर पार्ट। तो अपरेज सिटाडल में हमें कौन सी बिल्डिंग्स और कौन से लोग दिखते थे, मिलते थे? यहाँ पे हमें ग्रीनरीज मिलती थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मिलती थी, पिलर हॉल्स मिलते थे, कोर्ट यार्ड मिलते थे। और ये जो सिटाडल है यहाँ पे रूलर्स रहा करते थे या फिर एरिस्टोक्रेट्स जो होते थे वो रहा करते थे। तो यहाँ पे हमें ग्रेनरीज मिली हैं। ग्रेनरीज में के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, जो कि एयर डक्ट्स, ग्रेनरीज इस तरह से डिज़ाइन की जाती थी कि बीच में एयर डक्ट्स होते थे और जो प्लेटफॉर्म था उनका वो थोड़ा रेज किया होता था। क्यों रेज किया होता था? क्योंकि पेस्ट से बचाने के लिए, कि कोई उनको कीड़ा मकोड़ा ना लग जाए, उनसे बचाने के लिए जो ग्रेन्स होते थे उनसे बचाने, उनको पेस्ट से बचाने के लिए ये जो ग्रीनरीज एयर डक्ट और रेज प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे। इसके बाद हमें पब्लिक बाथ, प्रिविलेंस ऑफ पब्लिक बाथ, जैसे कि आप जाते हो मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिला था। तो मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथ था, इससे हमें पता चलता था कि रिचुअलिस्टिक क्लिनजिंग जो था कल्चर में वो प्रिवेल की मतलब प्रिवेल किया जाता था वहाँ पे।
इसके बाद हम पढ़ते हैं ये सारा कुछ। इसके बाद हम पढ़ते हैं लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में हमें जनरली क्या मिलते थे, स्मॉल वन रूम हाउसेस मिलते थे जो कि वर्किंग क्लास पीपल के लिए होते थे। कुछ जो घर हैं वो डबल स्टोरी भी मिले हैं, और डबल स्टोरी के साथ साथ हमें सीढ़ियाँ भी मिली हैं, स्टेयर्स मिली हैं वहाँ पे, और कुछ हमें प्राइवेट बिल्डिंग्स मिली हैं, और प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर हमें बाथरूम भी मिले हैं। और जो ड्रेनेज सिस्टम होता था वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम होता था, और जो उनके ढक्कन होते थे वो लूजली कवर्ड होते थे ताकि उसकी जो है रेगुलर क्लीनिंग की जा सके, मेंटेनेंस की जा सके उन जो नालियाँ वगैरह होती थी उनकी। इसके बाद जो आता है वो आता है स्कल्पचर। तो स्कल्पचर में हमें तीन टाइप के स्कल्पचर मिलते हैं, सील्स, ब्रॉन्ज फिगर्स और पॉटरी। सील्स के बारे में हमने जब हमने पहला लेक्चर शुरू किया था उसके बारे उसमें हमने सील्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम उसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, पशुपति सील। पशुपति सील जो है वो कहाँ पे मिली है हमें, मोहनजोदड़ो में। इसमें क्या है, एक ये सेंटर में एक फिगर है जिसके ऊपर तीन हॉर्न बने हुए हैं, और उसके जो लेफ्ट साइड पे क्या है, एलिफेंट और टाइगर, और राइट साइड में क्या है, राइनो और बुफेलो, और नीचे क्या है, दो डियर हैं। तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, पशुपति सील। तो ये जो फिगर है ये ऐसे माना जाता है कि ये मे भी इस जो ये जो फिगर है इसकी शायद प्रेयर की जाती होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास सील के बाद क्या आता है, ब्रॉन्ज फिगर्स। तो ब्रॉन्ज फिगर्स कैसे बनाई जाती थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा बनाई जाती थी। इसमें क्या करते हैं, वैक्स फिगर के ऊपर हम क्या करते हैं, कोई वैक्स फिगर होती है उसके ऊपर हम क्ले कोट कर देते, क्ले का कोट कर देते थे ऊपर, फिर उसको उसको हम हीट करते थे, और जो वैक्स होती थी वो मेल्ट होके बाहर निकल जाती थी, और बाहर वाली जो क्ले का एक शेप बन जाती थी पूरी उस फिगर की। तो फिर हम उस क्ले के अंदर हम कोई भी ल्यूकड जो मेटल होता था उसको डालते थे, और ये जो टेक्निक है वो आज भी यूज़ की जाती है। और जनरली जो हम ल्यूकड मेटल यूज़ करते थे वो ब्रोंज का ही होता था। तो इसमें हमें जैसे कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल है इसके जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड में क्या है, बैंगल्स डली हुई हैं, गले में इसने नेकलेस डाला हुआ है, और राइट जो हैंड है वहाँ पे ऑमलेट और ब्रेसलेट डाला हुआ है, और ये जो फिगर है वो त्रिभंग पोस्चर में है। तो इसके बाद आती है टेराकोटा फिगर्स। तो टेराकोटा स्कल्पचर्स जो हैं ये क्या होती हैं, ये क्ले को बेक किया जाता है, ठीक है, फिर उसके द्वारा हम स्कल्पचर बनाते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है मदर गॉडेस की फिगर। तो जो जो ब्रोंज फिगर्स होती हैं वो मोस्टली ज़्यादा फाइन होती है, देखने में ज़्यादा अच्छी होती हैं कंपेरेटिवली टेराकोटा स्कल्पचर से। तो टेराकोटा स्कल्पचर जो है वो क्या होती है, क्रूड शेप में होती है, और ये मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात और कालीमंगन में। तो टेराकोटा जनरली यूज टू मेक टॉयज, एनिमल फिगर्स, मिनिएचर्स, कार्ट एंड व्हील्स। तो इनको जो है पिंचिंग मेथड से इनको बनाया जाता था। तो एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया मदर गॉडेस मास्क ऑफ हॉर्न डाइटी, ये जो है इसकी एग्जांपल है। तो मदर गॉडेस के बारे में पढ़ते हैं, ये क्रूड शेप है इसकी, जैसे कि मैंने बताया टेराकोटा फिगर मोस्टली क्रूड क्रूड शेप में होती हैं, देखने में इतनी फाइन नहीं होती। तो इस मदर गॉडेस के नेकलेस डाला हुआ है, और फैन शेप्ड हेड गेयर भी डाला हुआ है सिर पे। इसको ये जो फिगर है इसको मोस्टली इसकी पूजा की जाती थी, तो इसको हम मानते थे कि ये फर्टिलिटी की देवता है। इसके बाद आता है पॉटरी। पॉटरी दो टाइप की पॉटरी है, प्लेन पॉटरी, पेंटेड पॉटरी। पेंटेड पॉटरी में रेड एंड ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता था, जो रेड कलर होता था वो मोस्टली बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता था, और ब्लैक कलर से हम उसमें फिगर्स ड्रा करते थे। तो पॉटरी जो है वो मोस्टली यूज़ की जाती थी तीन मेन पर्पस के लिए, हाउस होल्ड पर्पस के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए, और शराब वगैरह उसको स्टेन करने के लिए, शराब बनाने के लिए। तो हाउस होल्ड पर्पस जो था उसमें हम ग्रेन्स वगैरह या पानी वगैरह स्टोर करते थे। इसके बाद आता है ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स जो हड़प्पा के लोग थे वो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट मटेरियल के,
जो थे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ठीक है, प्रीशियस मेटल हो गए, जो ऑर्नामेंट उनके बने होते थे प्रीशियस मेटल के, जेमस्टोन्स के, बोन्स के, इवन बेक्ड क्ले के। तो बोथ मैन एंड वुमेन जो थी वो ऑर्नामेंट जो पहनना पसंद करते थे। तो नेकलेस हो गया, फिलेट हो गया, आर्मलेट हो गया, फिंगर रिंग्स, गर्डल्स, रियर रिंग्स एंड एंकलेट्स वर वॉर्न ओनली बाय वुमेन। और ये सारी चीज़ें किसके द्वारा पहनी जाती थी? वुमेन के द्वारा। और बीड्स फैक्ट्री भी हमें चंदूदारों में मिली है, जैसे कि आप अगर देखोगे तो बीड की फैक्ट्री मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑर्नामेंट भी लोग पहनते थे। और फैब्रिक के लिए मोस्टली यूज़ होता था कॉटन और वूल। और यहाँ के लोग जो थे वो फैशन के बारे मामले में कॉन्शियस थे। जो हेयर है, बालों का स्टाइल और दाढ़ी का स्टाइल, वो भी उनको, उसके बारे में उनको पता था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बेडर प्रीस्ट। तो बेडर प्रीस्ट क्या है? एक स्टोन की फिगर है जिसमें उस बंदे ने शॉल लिया हुआ है, आईज जो है वो एलॉन्गेटेड है, और मेडिटेशन की मेडिटेशन पोस्चर में बैठा हुआ है। ऑमलेट है उसके राइट हैंड में, और एक उसने वुवन फिलेट जो है उसके हेड पे, प्लेन वुवन फिलेट है उसके हेड पर। तो ये सारा कुछ हमने क्या पढ़ा? हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो आर्ट एंड कल्चर था उसके बारे में पढ़ा। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने कुछ इसमें ऑर्नामेंट्स के बारे में पढ़ा कि अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस मेटल के ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, ठीक है। बीड फैक्ट्री के बारे में पढ़ा, जो कि हमें चनुदारो लोथल में मिली है। तो जो बीड्स हैं वो किसके बने होते थे? कॉर्नेलियन के बने होते थे, एमिथीस्ट, क्वार्ट्ज, टीएटाइट, इनके बने होते थे। इसके बाद हमने पॉटरी के बारे में पढ़ा। दो टाइप की पॉटरी पढ़ी, पेंटेड और प्लेन पॉटरी, जिसमें रेड एंड पेंटेड पॉटरी में रेड और ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता था। फिर हमने मदर गॉडेस के बारे में पढ़ा, जो कि टेराकोटा फिगर की, टेराकोटा जो टेराकोटा से बनी होती थी, जो कि क्ले से बनी होती थी। तो ये क्रू शेप में होती थी मैक्सिमम। तो इसके बाद हमने ब्रोंज डांसिंग गर्ल के बारे में पढ़ा, इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ी, इस ये किस पोस्चर में है? त्रिभंग पोस्चर में थी। इसके बाद हमने लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है पशुपति सील, जिसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से एनिमल हैं, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनो, बुफेलो, डियर, इनके बारे में हमें पशुपति सील के द्वारा पता चलता है कि कौन कौन सी जो एनिमल्स थे जिनके बारे में हड़प्पा के लोग जानते थे। तो ये सारे स्कल्पचर्स में आए। और इस और हमने क्या पढ़ा? हमने सिटाडल और लोअर सिटी के बारे में पढ़ा, और सिटाडल में कौन कौन से लोग रहा करते थे। जनरली जो है वो एरिस्टोक्रेट रहा करते थे, रूलर रहा करते थे। ग्रीनरीज के बारे में, ठीक है, ग्रेट बाथ, जिसमें जहाँ पे हमें पता चलता है कि रिचुअलिस्टिक क्लिंजिंग भी की जाती थी उनके कल्चर में। फिर आज का लेक्चर जो है ये यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम मोरियन आर्ट जो है वो शुरू करेंगे। तो थैंक्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।